नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। लॉकडाउन 2 की अवधि खत्म होने वाली है। आने वाले दिनों में लॉकडाउन 3 होगा या लॉकडाउन 3 होगा, यह सरकार के निर्देशों पर निर्भर करता है। जैसे सरकार के आदेश होंगे वैसे ही स्थानीय प्रशासन कार्यवाही करेगा। लेकिन लॉकडाउन 2 की इस अवधि में जिस तरह से लोगों द्वारा नियमों की उल्लंघना की जा रही है वह हैरानीजनक है। आपको बता दें कि गत दिवस वीरवार की सुबह समाचार एक्सप्रेस की टीम ने करनाल की गुड़मंडी का दौरा किया था। वहां कैमरे में क्या कुछ रिकॉर्ड हुआ था यह भी आपको दिखाया गया था। शुक्रवार को भी सुबह समाचार एक्सप्रेस की टीम सड़कों पर पहुंची तो कई स्थानों पर आलम ऐसा था कि मानो लॉकडाउन नहीं पिकनिक स्थल हो। लोग बिना कारण सड़कों पर बेवजह घूम रहे थे। कई स्थान बिल्कुल सुनसान भी मिले, कई स्थानों पर दुकानें खुली मिली। जब उनसे समाचार एक्सप्रेस की टीम ने लॉकडाउन के दौरान दुकानें खुलने का कारण पूछा तो कुछ दुकानदार शटर गिराकर दौड़ गए और कुछ अपना तर्क देकर खिसक गए। यहां आपको बता दें कि लॉकडाउन लोगों की सुरक्षा के लिए है। जिस तरह से सुबह सुबह करनाल में लॉकडाउन की उल्लंघना हो रही है वह सही नहीं है। प्रशासन द्वारा लगातार जागरूक करने के बाद भी लोग मान नहीं रहे हैं। अब यहाँ एक प्रश्न यह भी बनता है कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन 3 होगा या 3 होगा, यह सरकार के निर्देशों पर निर्भर करता है। लेकिन सरकार के प्रयासों को धत्ता बताकर जिस तरह से लोग नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं उससे तो यह प्रतीत होता है कि लोगों को कतई भी इस बीमारी के बारे में भय नहीं है। अब आप भी देखिए समाचार एक्सप्रेस की यह एक विशेष रिपोर्ट। समाचार एक्सप्रेस आप सबसे यह बार बार अपील करता है कि कृपया आप सब सहयोग करें। ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त में अगर आप सहयोग करेंगे, हम सब मिलकर काम करेंगे, तभी इस बीमारी से को हराया जा सकता है, इस बीमारी से तभी निजात मिलेगी। लेकिन कुछ लोग प्रशासन का पालन नहीं कर रहे हैं। हमें भी पता है कि सबको प्रॉब्लम्स आती हैं, बट समाचार एक्सप्रेस आपसे बार बार ये अपील करता है कि कुछ दिनों के लिए कृपया प्रशासन के नियमों की उल्लंघना ना करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और इस समय आप है समाचार एक्सप्रेस से। 5:48 का समय और मैं इस समय मौजूद हूं सदर बाजार में मोहियाल सभा के साथ। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि कैमरे को देखते ही एक सज्जन ने किस तरह से दुकान को भिड़ा लिया। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा, ये हमारे साथ मौजूद है, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि क्या कारण था कि इनको कल सुबह दुकान पे आना पड़ा। सर आप दुकान मैं पैसे लेने के लिए आया, दूध के 200 रुपए मैं दूध ले जाऊं वो भी बात नहीं। कितने पैसे दुकान खोलते हो? आधा मिनट पहले आया। नहीं, दूध लेने के लिए आपने दुकान, दूध के पैसे लेने के लिए आपने दुकान खोली थी, तो कितने से वैसे दिन में कितने से कितने बजे तक खोलने की अनुमति? मैं खोल देने में दूध पैसे लेने आया था। ऐसा क्या कारण हो गया था? पैसे नहीं कर, बटू भी देख लो, बटू भी देख लो। देखो इनका ये कहना है कि इनकी मजबूरी थी, ये दो कुछ पैसे उठाने के लिए दुकान से आए थे। सर दुकान में पैसे तभी होंगे ना जब आप लगातार दुकान अगर आपने दुकान खोली सेल की तो लगातार नहीं पैसे लगातार नहीं मेरी बात सुनो ध्यान अगर पैसे नहीं बिल्कुल हालात खराब हो चुके हैं मेरी बात समझोगे भाजी हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं अकेले बंदे कमाने वाले 5 बंदे खाने वाले दूसरे बड़े मकान ये ले जाऊंगा मेरी बात ठीक है। सर इनका ये कहना था कि इनके घर के हालात खराब हो चुके हैं लॉकडाउन के चलते, काम धंधा बंद है, जो थोड़े बहुत पैसे दुकान में पड़े थे उन्हीं को लेकर वो अपने घर का गुजारा चलाने के प्रयास कर रहे हैं। घर में कमाने वाले एक हैं, खाने वाले 5 हैं, इसी जो दुकान में थोड़े बहुत पैसे पड़े थे वो दुकान से लेकर वो घर की ओर जा रहे हैं ताकि गुजारा चल सके। नाम क्या नीतीश? किस चीज की दुकान है? बिस्कुट के, बिस्कुट नमकीन। सर इनकी बिस्कुट नमकीन की दुकान है, लेकिन इनका तर्क यह है कि दुकान खोलने का अभिप्राय और मकसद सिर्फ इतना था कि इनकी दुकान पे कुछ पैसे रखे थे जिनकी जिन पैसों की घर में जरूरत थी। लेकिन मैं इनसे एक और सवाल पूछना, सर आपको नहीं पता कि लॉकडाउन चल रहा है? भाई साहब क्या क्या करूँ, मैं पैसे लेके चल जाऊँ वो भी बात नहीं। ऐसा क्या हुआ गया कि आपको अर्ली मॉर्निंग आना पड़ा? अर्ली मॉर्निंग आना पड़ा, ऐसी क्या मजबूरी थी? आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे दिन में भी आप आ सकते थे, ऐसे क्या मजबूरी है? भैया मैं आपसे सिर्फ इतना सवाल कर रहा हूँ कि अर्ली मॉर्निंग आप आए
अर्ली मॉर्निंग आपने दुकान खोली, अर्ली मॉर्निंग आपने पैसे निकाले, ये काम अब तो कोई और दुकान नहीं खोली होगी जिससे आप सामान परचेज कर सकते। चलो इनका इनका ये कहना है कि अर्ली मॉर्निंग जो उन्होंने दुकान खोली इसका भी प्राइस सिर्फ इतना था कि ये अपने घर का कुछ सामान एकत्रित कर सके, उन पैसे से मंडी में जाएंगे, थोड़ा सा सामान जो इन्हें मिलेगा उससे चलाएंगे। लेकिन मैं बार बार फिर एक ही बात कहूँगा कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन की पालना ना करें। आप देख सकते हैं कि इस समय 5:48 का समय हो चुका है, हम सदर बाजार में इस समय मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन की उल्लंघन हो रही है, हमारे कैमरा पर्सन भी आपको दिखाएंगे किस तरह से सड़कें भी सुनसान है, लेकिन कुछ लोग ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि वो सैर पे निकले हों। इस तरह की वाक्यों को ना अंजाम दें, इस तरह की हरकतें ना करें। हम बार बार लगातार आपसे ये अपील करने की इस तरह की हरकतें ना करें। हाँ जी सर, आप दुकान पे बैठे थे, क्या कहना चाहेंगे? आपने दुकान खोली हुई थी? मैंने दुबी नहीं, आपने दुकान खोली हुई थी? आपको नहीं पता लॉकडाउन है? आपको नहीं पता लॉकडाउन है? नहीं, बात माफी वाली नहीं है, बात बीमारी से बचने की है। सरकार प्रशासन हर कोई जुटा हुआ है। आपको क्या जल्दी पड़ गई थी? आपको ऐसा क्या हो गया था? आपने दुकान किस चीज की दुकान आपकी? नहीं, क्यों खोली हुई थी आपने? ये भाई दूध लेने आए। नहीं, दूध अंडे दूध तो लेने आए थे, लेकिन आपने दुकान खोली थी अंडे की, दुकान पे दूध आता है क्या? नहीं भाई, दूध लिया मैं, देखो कुछ चीज खराब तो नहीं हो रही? कुछ खराब मिला? खराब मिला वो बात है, वो देखो क्या खराब मिला। अंडे दो खराब मिले। कितने से कितने बजे तक बैठे हो आप? मैं नहीं बैठता। कितने से कितने बजे तक बैठे थे आप? कितने से कितने बजे खोलते हो आप दुकान? अभी पहुंच आया मैं। देखिए ये एक और दुकान हमें दिखी, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या? देवराज जी। अंडे की ये देवराज जी हैं, इनकी अंडे की दुकान है। कैमरे को देखते इन्होंने दुकान बंद कर दी, अब ये चलने की तैयारी में है। इनका कहना ये था कि ये दूध लेने के लिए आए थे, लेकिन कैमरे को देखते इन्होंने तुरंत दुकान बंद कर दी और ये कहने लग गए कि हम सिर्फ दूध लेने आए थे। लॉकडाउन का इन्हें नहीं पता, लॉकडाउन के बारे में इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, सिर्फ इनका ये कहना था कि मैं तो सिर्फ मात्र दूध लेने आया था और दुकान की चेक करने आया था। अब इनकी दुकान पे क्या खराब सामान मिला है वो दिखाते हैं अब आपको। ये देखिए, इनकी दुकान के बाहर कोई सामान नहीं, सिर्फ कचरा और कचरा पड़ा है। ये कोरोना योद्धा जो दिन रात जुटे हैं सफाई अभियान में, ये देखिए मैं दिखाना चाहूंगा। ये है, ये खराब सामान मिला इनकी दुकान के बाहर से, जिसमें दारू की बोतलें भी हैं। अब ये पता नहीं यहाँ पर इनको कौन रख के चला गया। सब्जी के छिलके, सलाद के छिलके, खाली गत्ते, पोलोथीन वेस्ट, पोलोथीन चिप्स के खाली पैकेट, ये अपनी दुकान को ताला भी लगा रहे हैं। और देखिए इनकी दुकान के बाहर ताला नहीं लगा हुआ, सिर्फ कैमरे को देखकर ये तुरंत फरार हो गए, तुरंत चले गए बिना ताला लगाए। और ये भी हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद इनको आना तो पड़ेगा ताला लगाने के लिए, क्योंकि अंडे की दुकान है। लेकिन मैं फिर एक बार फिर यही कहना चाहूंगा कि किस तरह से लोग लॉकडाउन की उल्लंघन कर रहे हैं, इसकी जीती जागती हम आपको दिखाएंगे। एक और सज्जन है जिन्होंने अभी अपनी दुकान को बंद किया है, मैं इनसे ही बात करता हूँ। सर आपका शुभ नाम? घर है हमारा तो ये पर अजय कुमार है, घर है। अच्छा, आपको पर घर है। सर अच्छी बात है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, इस दौरान आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? ठीक चल रहा है, जो चल रहा है बढ़िया है जी। बीमार को पता ही नहीं, हम तो ऊपर अब जा रहे हैं घर से। सर और बताइए, पहले भी खुलती हैं दुकानें यहाँ पर? पहले बस ऐसी है जी, कोई खोल रहा है जी, नहीं खोल रहा है अपना ऐसी। देखो आप एक सभ्य समाज के लोग हैं, आपको भी पता है कि गंभीर बीमारी है, गंभीर बीमारी है, इससे इसके बचाव का तरीका सिर्फ इतना है कि हम अपने घरों में रहें। अगर ये लोग दुकानें खोलेंगे तो भीड़ होगी तो संक्रमण फैलने का खतरा रह सकता है। ठीक है, तो क्या आप समझाने का प्रयास करते हैं इनको? बिल्कुल जी बिल्कुल, हम तो अपने बच्चों को समझा के रखते हैं, अपना अंदर ही रहो बाहर। आपका शुभ नाम? विजय कुमार जी। विजय कुमार सर, ये हमारे साथ विजय कुमार थे, इनका मकान है ऊपर। इनका ये कहना है कि पड़ोस में बहुत दुकानें खुलती है लेकिन सुबह सुबह खुलती हैं। ये समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे। लेकिन आखिरकार सोचने की बात अभी ये है कि आखिर लोग इस चीज़ को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे, क्यों वो कोरोना जैसी बीमारी को गंभीरता से नहीं ले रहे, जबकि प्रशासन पिछले 1-1.5 महीने से लगातार लॉकडाउन की पालना के लिए प्रयासरत है। सुबह से लेकर रात तक वो सड़कों पर रहता है, लेकिन जिस तरह से हमने अभी आपको सदर बाजार का नज़ारा दिखाया, तो यहाँ पर आवाजाही भी पूरी तरह से सुचारू है। कुछ लोगों ने कैमरे को देखते दुकानें बंद कर दी, तो कुछ लोग कैमरे के सामने आने से बचते रहे, कुछ लोगों ने हमसे
माफ़ी भी मांगी, कुछ लोगों ने हमें ये भी कहा कि नहीं आगे से नहीं करेंगे, लेकिन मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मात्र माफ़ी मांगने से ये काम नहीं चलेगा। हमारा काम किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, हम सिर्फ इतना और इतना चाहते हैं कि आप लॉकडाउन का पालन करें ताकि आप भी स्वस्थ रहें, हम भी स्वस्थ रहें, देश भी स्वस्थ रहे, समाज भी स्वस्थ रहे। मैं तरुण मदान और अब इस समय है समाचार एक्सप्रेस से, इस समय हम मौजूद है करनाल के सदर बाजार क्षेत्र में। यहाँ पर हमारे अब सुबह के लगभग इस समय मेरी घड़ी के अनुसार 6:07 हो चुके हैं और यहाँ पर हम पूरे बाजार का मुआयना कर चुके हैं। जो हमें कुछ मिला वो हम आपको दिखाने का प्रयास भी करेंगे, समझाएंगे भी, दिखाएंगे भी। मेरे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं जो इस समय मार्केट में खड़े हैं, मैं इसे जानने का प्रयास करता हूँ। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम रूपचंद निर्वाण है। रूपचंद जी, आपको पता है कोरोना जैसी बीमारी फैली हुई है, हाँ जी, संक्रमण का खतरा है, हाँ जी, और सरकार और प्रशासन द्वारा लॉकडाउन चलाया गया। हालांकि 3 तारीख के बाद लॉकडाउन फ्री होगा या लॉकडाउन 3 होगा ये तो 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस क्षेत्र के रहने वाले हैं? मैं यही करनाल का रहने वाला हूं। आपके आस पड़ोस में क्या कोई दुकानें खुलती हैं? कोई शायद कोई एक आधी दुकान खुलती होगी जी, वैसे तो नहीं खुलती है, एक आध दुकान कोई खुलती है वो भी किराने वाली खुलती है, बाकी तो नहीं खुलती जी। हाँ जी, बाकी तो नहीं खुलती, कोई चोरी छिपे कोई खोलता है तो हम उसका कह नहीं सकते, मैंने तो खुलते हुए देखा नहीं है जी। सर, इनका ये कहना है कि किराने की दुकानें जरूर खुलती हैं लेकिन चोरी छिपे कोई खोलता हो तो उसके बारे में कुछ नहीं कहना सकते। एक और मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र डबी है। महेंद्र जी, आपको पता लॉकडाउन की पालना आपके एरिया में हो रही है कि नहीं हो रही? देखो, ये सवेरे सवेरे तो माल बेचते हैं सारे दुकानदार, ये कैसा सामान बिकता है? ये चप्पलें वगैरह बेचते हैं, वो आगे रबड़ की चप्पलें हैं ना जो, वो बेचते हैं ये। तो आपने कभी इनका समझाने का प्रयास? नहीं, हम तो क्या है सवेरे सवेरे 5 बजे से पहले आ जाते हैं जी। देखिए, इनका ये कहना है कि 5 बजे से पहले पहले ही दुकानों से माल को साफ कर दिया जाता है, पहले जो लेने वाले हैं वो भी 5 बजे से पहले आ जाते हैं, जो देने वाले हैं वो भी 5 बजे से पहले आ जाते हैं। बात साफ सुथरी क्लियर है कि लॉकडाउन की उल्लंघना सरेआम की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, प्रशासन के कार्य पलीता लगाया जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि इन सारी बातों को प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा और जो भी लॉकडाउन की उल्लंघना करेगा, हम प्रशासन से भी आदेश नहीं कर सकते, हम प्रशासन से ये आवेदन करेंगे कि वो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाए जो कि इस लॉकडाउन को उल्लंघना कर रहे हैं। सर, हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अशोक है। अशोक जी, आपके एरिया में क्या हालात हैं? देखिए, हालात तो ऐसे, जब सरकार ने लॉकडाउन किया हुआ है तो हमें जितने भी दुकानदार हैं, जब पूरे देश में लॉकडाउन है तो हमें उन सरकार के दिए निर्देशों पर चलना चाहिए, क्योंकि इससे महामारी फैलने का बहुत बड़ा खतरा है। आपका किसी का काम है? मेरे जूते का काम है। आपने कभी दुकान खोली? ना जी, मैं सरकार का पूरा पालना करता हूँ। जब तक हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार नहीं कही तब तक हम दुकान नहीं खोलेंगे। आपके एरिया में कोई और दुकानें खुलती है? दुकानें लगभग थोड़ी खुलती है, ऐसी बात नहीं, अर्ली मॉर्निंग खुलती है। हाँ, सुबह सुबह दुकान खुलती है। मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि अपनी दुकानें ना खोलें, ये महामारी का खतरा है। यहाँ पर छोटे छोटे परिवार लोग रहते हैं जिससे बीमारी ना फैले, कोई भी व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति आकर यहाँ पर पूरे एरिया को खराब करे या बीमारी फैले, उससे अच्छा है कि हम लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। सर, एक चीज बताइए, आपका जूते का कारोबार है और हमें जैसे भी पता लगा कि जूते की दुकानें अर्ली मॉर्निंग खुलती हैं, जो लेने वाले होते हैं, जो कस्टमर आते हैं, वो शहरी क्षेत्र से हैं या दूसरे इलाकों से? ये गांव के छोटे जो गांव खोले हैं, जैसे कुंजपुरा, गेड़, सालवान, जिन डीसी साहब ने जिनको कहा था कि 9 से 12 दुकान खोलने का गांव के अंदर, वो लोग उनसे माल लेने आते हैं सुबह सुबह। ये गांव के लोग ही आ रहे हैं, शहर का कोई लोग नहीं आ रहा। सर, इनका ये कहना है, इनका भी जूतों का कारोबार है लेकिन ये अपनी दुकानें नहीं खोलते, लेकिन इतनी बात जरूर है कि यहाँ सुबह कुछ दुकानें खुलती हैं, सुबह 5 बजे से पहले पहले दुकानें खुलती हैं, और देहात जहाँ पर डीसी साहब ने कुछ रियायतें दी गई हैं, जिन देहातों को डीसी साहब ने खोलने के आदेश दिए गए हैं निर्धारित अवधि के दौरान, वहाँ से कुछ लोग आते हैं और सामान खरीद कर चले जाते हैं। मैं एक बार फिर से उन्हें यही प्रार्थना करना चाहूँगा जो कि दुकान खोल रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि कृपया करके आप ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे कि महामारी फैले, क्योंकि करनाल प्रशासन, जिला प्रशासन और सारे के सारे कोरोना योद्धा इस बीमारी को हराने में, इस बीमारी को भगाने में जुटे हैं। कृपया आप लोग उनका सहयोग करें। ये सदर बाजार के कुछ निवासी थे जो हमारे साथ अभी थे, इनकी भी यही प्रार्थना उन लोगों से कि काम चलता रहेगा अगर शरीर रहेगा तो, शरीर नहीं रहेगा तो काम कैसे करोगे। इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं कि जब तक लॉकडाउन है, 3 तारीख, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 3 तारीख तक का लॉकडाउन का था, आगामी आदेश क्या होंगे ये 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जब तक लॉकडाउन है तब तक आप उसकी पूरी तरह से पालना कीजिए। सर, एक चीज बताइए, आपके पास परमिशन है? परमिशन नहीं है। आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है तो आप किसके लिए गाड़ी चला रहे हैं? अरे चलना कोई नहीं सर जी, ऐसे तो मतलब कोई काम था, आ गया थे सब्जी के चक्कर ले गए थे, सब्जी ले लेंगे। नहीं, सब्जी कहाँ है? सब्जी कहाँ है? छोड़ा है। कहाँ पे छोड़ी? उधर छोड़े। यहाँ से क्या लेना है?
यहाँ से कुछ नहीं मिले। ये आए थे वो कह रहे थे चलना है जा रहे थे। ये टाल में आए हुए थे सामान में। आप कहाँ के रहने वाले? मैं यही कर रहे सदर बाजार का और गोबरीपुर फाटक। गोबरीपुर फाटक। लेकिन बिना परमिशन के आप गाड़ी कैसे निकाल ली? बस गलती होगी सर जी को। कितने दिनों से ऐसी गलती कर रहे? नहीं आज ही निकाले हमने। पहला दिन और पहले दिन पकड़े गए है ना? पहला यही हुआ ना, पहले दिन पकड़े गए। चलो ठीक है। ये थे एक सज्जन जो ई रिक्शा चला रहे हैं जबकि इनके पास परमिशन नहीं है। मैं आपको ये बता, हाँ इनके पास एक सज्जन बैठे थे रिक्शा पर जो इनको बार बार ये करते कि चलो चलो हमें इनसे कुछ नहीं लेना देना, हमें इनसे कुछ नहीं लेना देना। आपको कैमरा में वो सज्जन हम आपको पीछे से दिखा देते हैं कि किस तरह से वो जा रहे हैं। लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि किस तरह वो एक टाल के बाहर थे जहाँ पर सुनने में ये आया, बताया जा रहा है कि यहाँ पर तंबाकू भी बिक जाता है, तंबाकू भी मिलता है। हो सकता है वो सज्जन इस पर्पज से यहाँ आए हो, लेकिन कैमरे को देखते ही वो यहाँ से तुरंत रिक्शा से उतर के, पहले तो उन्होंने रिक्शा वाले को कहा, उसके बाद वो जब रिक्शा नहीं माना तो तुरंत वो कूद कर चले गए। अब ये देख सकते हैं आप आगे गोदाम का दृश्य। सर आप किस लिए आए थे यहाँ पर अभी सुबह सुबह? ये देखिए सज्जन थे, ये दुकान हमारे सामने खुली, हमारे सामने बंद हो गई और हमारे सवाल पूछते ये तुरंत अपनी एक्टिवा स्टार्ट करके चले गए। ये देखिए मैं दिखाना चाहूंगा, राधे राधे राखियां, राखियों के थोक विक्रेता, राखी पटाखे, होली रंग, डोर पतंग, एम आर ट्रेडिंग कंपनी के नाम से यह दुकान है जो अभी खुली हुई थी, तुरंत कैमरे को देखते ही यह बंद हो गई। हालांकि ये इन्होंने दोबारा से खोल ली है दुकान अपनी, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। सर प्लीज एक मेरी बात सुनिए। आप बाहर आएंगे कि मैं अंदर आऊं? नहीं मैं आज सर मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा आखिर क्या मजबूरी थी। मेरा नाम कुछ नहीं है सर, आप छोड़ो। नहीं अभी आपने बोला ना कि मैं आपसे बाहर आके बात करता हूँ, अब क्या हो गया? सर आप ये देख सकते हैं इनका ये कहना है कि राखी एसेंशियल सर्विसेज में आती है। धूप अगरबत्ती है सर? हाँ तो बताओ ना सर, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए ना, आप बताइए ना प्लीज, आप बताइए। कहाँ से आप लोग सर? अगर आपकी सेशन सर्विस है आप हमें जानकारी दे दीजिए, अगर हम लोग गलत हैं तो आप दे दो ना। अगर एसेंशियल सर्विस है तो आप लोग अर्ली मॉर्निंग क्यों आए? टाइमिंग में भी तो आ सकते हो आप, बताइए। सर आपने कहा था बाहर आके बात करेंगे, बताइए क्या है, किस चीज की दुकानदारी आपकी? सर उसकी पिक लीजिए, हमारा नवरात्रों का सारा सामान रुका हुआ है, ठीक है जी, और सब एंड नुकसान हो चुका है, वो बिक नहीं रहा, अंदर देखो क्या हालत है, सारा सामान खराब हो जाएगा, वो बाहर बिकेगा नहीं, बाद में बिकेगा नहीं। मेरे पास इसके अलावा और कोई माल नहीं है, इस टाइम ना तो राखी बिकेगी ना कोई और सामान बिकेगा। नवरात्रों पे लॉकडाउन हो गया था, उसकी वजह से जो है सारा सामान हमारा खराब हो गया, धूप अगरबत्ती लवा ये अपना। सर जैसे उन्होंने बताया धूप अगरबत्ती एसेंशियल सर्विस में आती है, एसेंशियल सर्विस में आती है। सर देखो किराने वाले के पास तो काम चल रहा है ना जी, उनसे तो कस्टमर मांगते हैं, हर आदमी घर में बैठेगा कुछ पूजा। एक बात बताइए सर, आपके पास परमिशन है ना दुकान खोलने की? सर परमिशन नहीं है, वो बात आपकी मानते हैं, लेकिन अब मजबूरी ये है कि जो सामान खराब हो रहा है उसको हम क्या करेंगे। सर आपको सामान की ज्यादा चिंता है कि स्वास्थ्य की ज्यादा चिंता है? सर स्वास्थ्य सबसे पहले है, लेकिन मजबूरी ये है कि जो ये माल पड़ा है सर, हम तो मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी है, हम तो भूखे मर जाएंगे। ये देखो ना जी, हमने शॉप नहीं खोली, कोई रिटेल का कस्टमर अटेंड नहीं किया, एक स्टॉक जो पड़ा हुआ था किसी का उनको उठा के दिया कि सर आपका माल है। क्या मजबूरी थी आपको अर्ली मॉर्निंग खोलनी पड़ सकती है दुकान? डेली खोलते हो? डेली खोलते? नहीं 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 अभी जब से लॉकडाउन अभी हुआ। अभी आपके सामने वो सज्जन हमारे से ये बात बोल के कि मैं आपसे बाहर आके बात करूंगा, तुरंत उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया। दूसरा कस्टमर नहीं था वो, तो किसी और के पास आया था, वो हमें पूछ के वो रील के डब्बे पूछने लग गया, हमारे पास होते नहीं, वो तो सिर्फ इसलिए रुका था वो, उसका हमारे साथ कोई लिंक नहीं है। हमारे पास सर हम बैठ के क्या करेंगे, हमारे दुकान में कुछ है ही नहीं। आप सर अभी तो आए हो, आप हमें दिखाओ, देखो दिखाओ
बिकने वाली तो बताओ ना, आपकी चीज बिकने वाली है सर? जब मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ, बिकने वाली कोई चीज नहीं है। आप कह रहे हो कि जो सामान खराब हो रहा था आप सिर्फ उसकी सेल के लिए यहाँ पर आए हैं। वो भी किसी का था, उसको उठा के देना था, है ना? अभी मैं पालने के लिए आए थे, लेकिन इनकी दुकान के आगे से दो कस्टमर तुरंत निकले हैं सामान लेकर, जिन्होंने हमसे बात करने से मना कर दिया। पहले जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें ये कहा था कि मैं बाहर निकल के आपसे बात करता दुकान से बाहर आकर, लेकिन ना तो उन्होंने हमें अपना नाम बताया ना अपने बारे में कोई जानकारी दी। तुरंत अपनी बाइक पर सामान लाद कर सब चले गए। हमें गुमराह करने के लिए उन्होंने इतना जरूर कह दिया कि एसेंशियल सर्विस में है हमारा। हम जब हमने उनसे उनसे परमिशन की बात की तो उन्होंने परमिशन दिखाने और बताने से मना कर दिया। इस बात को माना कि परमिशन नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो दुकान खोले हुए थे। अब उनका ये भी तर्क है कि अब आगे भविष्य में दुकान नहीं खोलेंगे जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा। 6:29 का टाइम हो चुका है और इस समय हम मौजूद है रेड क्रॉस मार्केट में, BSNL ऑफिस के बिल्कुल सामने ही। हमारे देख सकते हैं किस तरह से फुटवेयर की दुकान खुली हुई है। यहाँ पर एक सज्जन है जो अभी मोबाइल में मशगूल है। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं, भाई साहब आपने दुकान खोली? हाँ जी, लेकिन अभी चले जाते हैं जी, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए आते हैं जी। किस लिए खोलते हो सुबह? भाई जी 5-10 मिनट के लिए, हम कबूतर के लिए पानी पाके चले जाते हैं दुकान खोल के। हाँ जी, रोज पानी के तो नहीं रोज ऐसा करते हो? हाँ जी, रोज पानी पाके जाते हैं। माल नहीं बेचते? माल नहीं बेचते, लेकिन ये सिर्फ अपने घर लेके जाता हूँ जी, अपने लिए पहनने के लिए रोज। हाँ जी, एक जोड़ी लेके जाता हूँ, कोई ज्यादा नहीं। रोज एक जोड़ी लेके जाते हो? नहीं जी, आज लेके जानी है जी अपनी, मेरी टूट गई है। अच्छा, आज टूटी, आज लेके जानी है ना? हाँ जी। रोज दुकान खोलते हो? रोज खोलते हैं, लेकिन पानी पाके जाता हूँ। यकीन रहता हो जो अभी भी पाके जाऊंगा 5-7 मिनट में, कोई यकीन नहीं है जी। देखिए इनकी दुकान आप देख सकते हैं किस तरह से फुटवेयर की दुकान है, लेकिन इनका एक तर्क है कि ये दुकान खोलते हैं अर्ली मॉर्निंग सिर्फ पक्षियों को पानी डालने के लिए। हालांकि मैं ये कहूँगा कि जो ये अगर ये पानी डालते हैं कबूतरों के लिए सराहनीय है, प्रशंसनीय काम है, लेकिन अगर ये दुकान खोलते हैं तो गलत है। इन्होंने ये भी बताया कि ये एक जोड़ी चप्पल लेकर निकले हैं बाहर, क्योंकि इनकी अपनी चप्पल टूट चुकी है, इसलिए डालने के लिए ले जा रहे हैं। सर अब बताएंगे कितनी देर में बंद करेंगे इस दुकान को? अभी 2 मिनट में जी। 2 मिनट बंद करो। और सुबह कितने बजे खोलते हैं? भाव जी मैं कभी, मेरा कोई टाइम नहीं होता जी, मैं तो कभी मेरा कोई वो नहीं होता, कोई टाइम नहीं है दुकान खोलने का। आपको नहीं पता लॉकडाउन है? हाँ जी पता है जी। पता है? हाँ जी। तो कितने से कितने बजे दुकान खोलते हैं? हाँ जी ये तो पता है जी, 9 से 12 है जी। आपकी दुकान खुलती है 9 से? 9 जी। नहीं खुल सकती? आप जी हमारे यहाँ पे मार्केट के सदस्य होते हैं जी, उनसे पूछ सकते हो। चलो हम इनसे, इनका ये कहना है कि आप हमारे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये नहीं खोलते, ठीक है, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो तर्क दिया वो यही था, इनका यही तर्क था कि कबूतरों को और पक्षियों को पानी देने के लिए आते हैं। अब ये किसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये तो परमात्मा जानता है, इनकी आत्मा जानती है। लेकिन हम इनसे बार बार यही अपील करेंगे कि लॉकडाउन है तो ना ही दुकान खोले तो बेहतर ही नहीं है। तो मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी के साथ समाचार एक्सप्रेस के लिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।